नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी मैं सुबह सुबह दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के मैं पटना आ चुका हूं। जैसे कि आप लोग जो है वीडियो में देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं कि मनीष कश्यप जो है वो थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर चुके हैं, क्योंकि इनके घर पे जो है विभिन्न प्रकार से छापेमारी हो रही थी और घर की कुर्की जब्ती की भी बात जो है वो सामने आ रही थी। तो मैं सीधा दिल्ली से फ्लाइट लेके आ गया, सुबह में यहाँ पटना आ चुका हूँ और अभी हमारे साथ शिवनंदन भारती जी है। हम इनसे इस मुद्दे पे बात करेंगे कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप जी के ऊपर विभिन्न प्रकार के FIR दर्ज हुए थे, विभिन्न प्रकार की बातें कही जा रही थी और अब ये बात सामने आ रहा है कि मनीष कश्यप जो है वो थाने में जाकर जो है आत्मसमर्पण कर चुके हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जगदीशपुर OP जो थाना है वहां पे जाकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और उसके बाद की आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्या मनीष कश्यप के ऊपर जो FIR किए गए हैं उसमें क्या सत्यता है और मनीष कश्यप क्या रिहा हो पाएंगे, वो इसके बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। और जो ये मुद्दा छिड़ा हुआ है पूरे बिहार में, इस पे क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी और मनीष कश्यप कब तक बाहर आएंगे, ये सारा अपडेट जो है आप लोगों को मैं अपने वीडियो पे आज देने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं पूरा जरूर देखिएगा। सर, मैं सबसे पहले तो आपको इंडियन टाइम्स न्यूज पर तीसरा चौथा बार वेलकम करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि फोटो सामने आ रहा है कि जगदीशपुर OP में मनीष कश्यप जी ने आत्मसमर्पण किया है, ये कहां तक सत्य है? देखिए, कानून के दृष्टिकोण से जो कोर्ट में जब वो जाते हैं जी, तो मजिस्ट्रेट के सामने समर्पण थोड़ा सा टेक्निकल एरर है इसमें जी जी, क्योंकि समर्पण ही करते तो उनके दृष्टिकोण से यदि कोर्ट में करते तो ज्यादा अच्छा था, ज्यादा अच्छा। लेकिन वो थाना पर गए चूंकि वहाँ पर 83 के तहत जो है सो कार्रवाई हो रही थी, कुर्की जब्ती इत्यादि जी जी, तो उन्होंने उस चीज को देखते हुए वहाँ पर समर्पण किया है। तो समर्पण कर लेने के बाद जो है सो पुलिस वहाँ से उनको फिर पूछताछ हेतु पटना ला रही है। तो अब यही मतलब कि आज जो है बेतिया से मनीष कश्यप जी को पटना लाया जा रहा है। वो नियम ये है कि जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और 20 किलोमीटर से अधिक जी, यदि उनको सफर कराना होता है तो ट्रांजिट रिमांड का एक चीज है कि वहाँ पर जो संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके अनुमति से, CGM की अनुमति से जी जी, फिर वो 30 किलोमीटर से अधिक का सफर है जी, पटना, जी, जी, तो वहाँ से अनुमति लेके और उनको रहते, जो खबरें आ रही है उसके जी, 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 जो आर्थिक अपराध यूनिट है जी, उसके जो है सो पूछताछ की जरूरत है तो उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। और यहाँ से लाने के बाद यदि पुलिस को लगेगी तो फिर यहाँ से फिर फर्दर कार्रवाई के लिए यहाँ के जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके अनुमति से फिर आगे की कार्रवाई होगी। सर, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि मनीष कश्यप जी के ऊपर जैसे कि सारा फोटो वायरल हो रहा है, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, कौन कौन से केस उनके ऊपर लगे हुए थे? देखिए, अभी जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की जी, तो इनके ऊपर और भी पूर्व के केसेस हैं जी। तो इस केस के रिगार्डिंग, चूंकि इस केस में मैं अन्य लोग जो अभियुक्त बनाए गए हैं पत्रकारों के समूह को जी जी जी, उनके तरफ से मैं केस को देख रहा हूँ जी सर, तो सारे चीजों को मैंने बहुत बारीकी से अवलोकन किया है। तो जो प्रक्रियात्मक एरर हो रहा है इस चीज से हम लोग न्यायालय को अवगत कराते हैं कि इस तरह की बातें हैं, तो न्यायालय में जब ये बातें जाती है तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो बहुत सारा चीज तो गुण और दोष पर मैं इस मीडिया के माध्यम से डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इस केस में वो बहुत जल्दी निकलेंगे। अन्य केस का जो है यदि बेल मिसयूज हुआ है जी, 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 तो हर केस की अपने गुण और दोष के आधार पर बेल मिलती है, तो वो थोड़ा एक मुश्किल इनके लिए हो सकता है। लेकिन जो वर्तमान केस में जिसमें ये जेल जा रहे हैं उस केस में इनको बेल जल्दी मिलने की संभावना है, जिस प्रकार एलिगेशन। सर, मैं जानना चाहूंगा और दर्शकों को जरा बताइए कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती की जा रही है वो किस मामले में की जा रही है और आखिर में वो कहाँ तक सही है? देखिए, इसका एप्रोप्रिएट आंसर तो बिहार पुलिस देखी कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो अभी SP साहब का बयान मैं मीडिया के माध्यम से सुन रहा था जी, तो जनरली सामान्यतः कुर्की जब्ती किसी भी मामले में इतनी जल्दी नहीं होती जी जी जी, तो मुझे भी हैरत हो रही थी कि क्या ये प्रक्रियात्मक एरर तो नहीं है। लेकिन जो उसका जस्टिफिकेशन जो वहाँ के जो SP साहब का बयान में देखा, उन्होंने कहा कि एक पुराने मामले में जो है सो ये कार्रवाई की जा रही थी जी जी जी, तो उनके मुताबिक यही है। लेकिन चूंकि जब गिरफ्तार किसी भी मामले में हो, लेकिन अब बेल उनको जितने भी मामले लंबित होते सभी में लेना होता है, तभी वो डिलीज होते हैं।
तो इसका वो एक बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं बिहार पुलिस की तरफ से कि भाई आप एक मामले में सरेंडर कर गए तो अब उनको हर मामले में बेल लेंगे जब पूरी तरीके से तभी वो रिलीज होंगे जब जी। तो इस मामले में बहुत ज्यादा इनको फंसाने का बहुत मटेरियल नहीं, वो बहुत जल्दी बेल मिलने की संभावना है, लेकिन अन्य मामलों का क्या है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है इनके लिए। जी सर, कुर्की जब्ती क्यों हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भाग रहे थे या लापता थे, किस कारण से? कुर्की जब्ती का कानूनी पक्ष है, कोई भी व्यक्ति जी, कि जब कभी कोई व्यक्ति पहले क्या होता है कि FIR होता है, FIR के बाद अब उसके साथ धारा 144 उसके बाद वहाँ से अनुसंधान स्टार्ट होता है, और अनुसंधान के दौरान पुलिस जो है तो व्यक्ति को पूछताछ के लिए जरूरी होता है कि पूछताछ के लिए उनको व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना, तो गिरफ्तार की जाती है। और गिरफ्तार यदि वैसे नहीं हो रहा है तो व्यक्ति को जो है सो वारंट निकालते हैं, वारंट के बाद जो है सो यदि फिर भी वारंट को उपस्थित नहीं हुआ, छुपा लिया अपने आप को, तो ऐसे परिस्थिति में फिर जो है सो 82 का निवेदन करते हैं। 82 क्या होता है कि किसी व्यक्ति को फरार घोषित कर दिया जाए। जी सर, फरार यदि हम कह देंगे विधिवत फरार, वैसे मौखिक रूप से ऐसे बोलचाल में बोलेंगे तो अलग मामला है, लेकिन विधिवत फरार कहने के लिए नियम यह है कि उनके घर पर नोटिस चिपकेगी, 30 दिन का वक्त दिया जाएगा, और तब उनको यदि वो उपस्थित नहीं होंगे तब कोर्ट में डिक्लेयर हो जाएगा कि वो एब्सकॉन्डर है। जी, तो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया। जी, अब यदि किसी व्यक्ति को अभियुक्त को यदि आप फरार कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि कोई भी व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर सकता है। जैसे अभी सपोज की आप कल्पना कीजिए कि अभी उनको इकोनॉमिकल ऑफेंस का अपराधी थे, हाँ। तो इस अपराध में केवल उनको इकोनॉमिकल थाना ही गिरफ्तार कर सकती थी, जो एक टीम लगी हुई थी। जी। किसी ट्रैफिक पुलिस को एक पुलिस ही है, यूनिट ही है, या कोई अन्य थाना को पावर नहीं था गिरफ्तार करने का। परंतु यदि कोई एब्सकॉन्डर है, यदि डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर है, इन सच ए सिचुएशन एवरी पुलिस ऑफिसर हैज पावर टू अरेस्ट, कोई भी एनीबॉडी कैन अरेस्ट हिम। तो वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता था कि कहीं भी दिखते तो कोई आम आदमी को पकड़ के सूचना करता कि ये फरार व्यक्ति इनको पकड़ के और संबंधित थाने को खबर की जाती ले जाता, तो वो एक कारण हो सकता था। तो ये फरार का जो है सो 82 का नोटिस जारी किया गया, और 82 के बाद भी यदि नहीं होता है तो लोग समान उसके बाद एक स्टेज होता है जो 83 का निर्गत होता है, जिसमें कुर्की जब्ती, घर को तोड़ना इत्यादि बुलडोजर का जो कंसेप्ट पूछा आप लोग। परंतु क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ 82 निर्गत हुआ हो और वो जमीन बेचने लगे, संपत्ति को हटाने लगे और इमरजेंसी दिखाते हैं, तो दोनों चीजों को साथ 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 करने की अनुमति मिल जाती है कि 82 भी आप जारी कीजिए, साथ में कुर्की जब्ती भी कर दीजिए ताकि वो बेचना ले। तो लेकिन उसके लिए एक रीजनेबल चीज के साथ उचित कारण दर्शाना होता है जी सर, तभी जाके होता। तो इसमें इतनी जल्दी तो वो संभावना थी नहीं, तो ये प्रक्रियात्मक एरर हो रहा था, लेकिन पुलिस ने इस बात का जस्टिफिकेशन किया कि वो पुराने केस में 82 और 83 की बात कर रहे थे जी। तो अब वो क्या है मामला, ये पुलिस का दलील है, लेकिन कानूनी रूप से जो रिकॉर्ड में क्या आएगा तो वो कोर्ट में हम लोग उसका जब अवलोकन करेंगे रिकॉर्ड का, तभी पता चलेगा कि एग्जैक्ट मामला क्या है जी। सर, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप जी को अब तो पटना लाया जा रहा है, यहाँ पे उनके साथ क्या क्या कार्रवाई होने वाली है और कौन कौन से विभाग पूछताछ करने वाले? देखिए, जो वो जो अभी जिस तरीके का खबर चल रही है जी, उसके मुताबिक उनसे वो प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की गई, ऑथेंटिक खबर की बात हो रही है, ऑथेंटिक खबर में ये समझिए कि जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा जी, तो उसमें ये बात का संकेत मिला था कि इन्होंने आर्थिक अनियमितता भी बरती है, तो उस पर गहन छानबीन जांच जारी है। तो अब ये जब अरेस्ट हुए हैं तो उनसे उस बिंदु पर भी होगा कि आपके अकाउंट में कितने ट्रांजेक्शन हुए, आपने कितना टैक्स पे किया, तो ये सब एक संभावना बनती है कि एक आर्थिक ऑफेंस का जो केस है वो भी कहीं इनके ऊपर फ्रेश में जी। कुछ सूत्र जी, कुछ सूत्रों ने रिलीज भी किया था कि 42 लाख या कुछ लाख रुपए उनके अकाउंट में थे, जिनको फ्रीज कर दिया गया। वो तो अभी वर्तमान में था, लेकिन ट्रांजेक्शन कितना होता रहा इनके अकाउंट से, कितने पैसे आए, कहाँ कहाँ गए, तो वो भी एक पूछताछ के दायरे में वो आ जाते हैं। तो तत्काल ये सब थोड़ी मुसीबत इनके लिए खड़ी हो जाती है। सर, दर्शकों को जरा बताइए, अभी तो मनीष कश्यप पटना आ जाएंगे, उनके साथ पूछताछ होगी, रिहाई की क्या प्रक्रिया है या बेल की क्या प्रक्रिया है? बेल इस केस में बहुत घबराने की जरूरत नहीं, ये जो केस है वो 7 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है, बहुत लंबी अवधि तक ऐसे केस में सामान्यतः व्यक्ति को जेल में नहीं रहना पड़ता है। वर्तमान केस की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन पूर्व में यदि जो केस है उसमें जो बेल मिला है जी, तो बेल मिलने के बाद मिसयूज नहीं हुआ हो, इनका जो तारीख पर वो गए कि नहीं गए कोर्ट में, तो वो सब चीज देखा जाएगा, तो वो एज कम्पेयर टू दिस केस वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उनके परिजन वो सारे चीजों को अब लोग
जब रिकॉर्ड हर केस का अपना होता है उसको देखने के बाद ही पता चलेगा कि पुराने केस की क्या स्थिति है और उस आधार पर इनका, चूंकि अब बेल लेना होगा तो सारे केसों का अपटूडेशन के बाद ही इनको मिलेगा तो थोड़ा सा। तो क्या रिहा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे मनीष कश्यप? वो तो संभावना पर निर्भर करता है, सबूत इकट्ठा किस तरीके से, लेकिन जो धाराएं लगी है उन धाराओं के अंतर्गत बहुत सारे धारा जो है सो सूट नहीं करता है जी, तो वो इनअप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू लॉ। उसको हम लोग कोर्ट में साबित करने में यदि सफल हो जाएंगे तब उनको वहां से जल्दी रिहाई मिलेगी जी। तो जैसा कि देख रहे थे दर्शकों, मनीष कश्यप जो है खुद सरेंडर कर चुके हैं और उनको जो है अब बेतिया से पटना लाया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं उनसे जानकारी लेंगे और विभिन्न प्रकार के ऑफिसों में उनसे पूरी जानकारी होगी, उनके वीडियो पे भी बात होगा, उनके जो पैसे थे उन पे भी बात होगा और उनके ऊपर पुराने जो मुकदमे थे उन पे भी बात होगा, नए मुकदमे उन पे भी बात होगा। तो सारी प्रक्रिया को देखने के बाद क्या कार्रवाई होती है और क्या वो जेल जा पाएंगे या जेल भेजा जाएगा, इसका सारा अपडेट हम देते रहेंगे। अगर वो रिहा हो पाते हैं तो कैसे रिहा होंगे ये भी हम आपको जानकारी देंगे। अभी तो आप देख रहे थे हम हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं और इन्होंने सारा जानकारी आपको बता दिया कि मनीष कश्यप कैसे सरेंडर किए हैं, कुर्की जब्ती की क्या प्रक्रिया हुई थी और किस माध्यम से उनको गिरफ्तार की गई और किस माध्यम से पूछताछ होगा, और भी बाकी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और आपने हमें इतना जानकारी दिया, दर्शकों को जानकारी दिया, ताकि ये एक नॉलेज है खास करके सबके लिए जो आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो लिए दर्शकों आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय।